वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबडी. जैद हामिद साहब, वेलकम वंस अगेन टू यू एज वेल. आई वुड लाइक टू आस्क यू के इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रिपोर्ट छप रही थी 335 CIA ऑपरेटिव्स पर्सनल का बताया जा रहा था, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस का कहा जा रहा था कि हमारा मुतालबा है, हमारी अस्करी क्यादत का है कि इनको फौरी तौर पर इधर से भेजा जाए. मगर हमें यह तक नहीं मालूम कि असल में ग्राउंड के ऊपर कितने अमरीकी पर्सनल मौजूद हैं. आपका थिंक टैंक भी है, आप इसके ऊपर खबर भी रखते हैं, जरा आगाह कीजिए कि कितने ऐसे पर्सनल पाकिस्तान में, रेमंड डेविस जैसे हम कह लेते हैं, और उनकी क्या जो उनके काम क्या होते हैं, उनके ऑपरेशन क्या होते हैं. देखिए मेहर, ये बात समझिएगा कि जो ISI इस वक्त जिन ऑपरेटर्स के खिलाफ जिनको तलाश कर रही है वो JSOC से उनका ताल्लुक है, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड. ये CIA के एक स्पेशल डिवीजन है जिसका मतलब मुल्कों में दहशतगर्दी करना, हुकूमतों के तख्ते उलटना और मजहबी इंतहा पसंद ग्रोहों को सपोर्ट करना है ताकि मुल्कों में बगावतें बर्पा की जाएं. होता यह है कि जिस तरह आपने डेविस के मामले पर देखा कि अमेरिकन गवर्नमेंट और हुकूमत उसको अपना डिप्लोमैट डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन ना पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में उसका कोई रिकॉर्ड था, ना अमेरिकन एम्बेसी के पास कोई रिकॉर्ड था, और अदालत को भी, हाई कोर्ट को भी हुकूमत आखिरी वक्त तक नहीं बता सकी कि डिप्लोमेट है भी या नहीं है, क्योंकि इसके पास एक कमर्शियल वीजा था, बिजनेस वीजा था जो पाकिस्तान एम्बेसी वॉशिंगटन ने इसको इशू किया था. असल में क्राइसिस यही होता है कि हजारों गैर मुल्की पाकिस्तान में दाखिल हो रहे होते हैं, हर एक की डिटेल ISI के पास नहीं होती जब तक वो डिप्लोमेटिक चैनल से ना पहुंचे. अब कम से कम 800 से 900 के करीब ऐसे खुफिया वीजे हैं कि जो पाकिस्तान एम्बेसडर हुसैन अकानी ने जारी किए हैं ISI की मर्जी के खिलाफ, ISI से छुपा के, और उसी के नतीजे में ये क्राइसिस बरपा हो गया है कि अमेरिकन ने उनको सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे, बिजनेसमैन के नाम पे, मुख्तलिफ एडवाइजर और कंसल्टेंट्स के नाम पर फैला दिया है पाकिस्तान में, और असल में वो CIA के JSOC ऑपरेटर्स हैं. और इख्तलाफ इसी बात पर है, उनको तलाश करना ISI के लिए भी चैलेंज है. इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इनको तलाश किया जा रहा है, अमेरिकन एम्बेसी उनकी डिटेल नहीं दे रही है, और उसके नतीजे में एक तसादुम बिल्ड हो गया है. सर, इनकी डिटेल मिलकर हुसैन हक्कानी और ऐमान मलिक साहब के पास होगी? जी, उसकी सारी तफसील मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है, वीजे वजारत दाखला इशू करती है. यही रहमान मलिक साहब हैं जो दावे किया करते थे कि अगर ब्लैक वाटर्स पाकिस्तान में निकला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उसके बाद जो कुछ सामने आया है इनको उसके बावजूद भी कोई गैरत नहीं आई कि इस्तीफा देकर बाहर हो जाए. इसी तरह आपके वजीर आजम के ये बयान थे कि जब ओबामा आएगा तो ड्रोन हमले बंद कर दिए जाएंगे. ये इनके नाइव होने की एक मिसाल है कि ओबामा के आने के बाद ड्रोन हमले बढ़ना था, कम नहीं होना था. जब इस किस्म की आपकी क्यादत, सियासी क्यादत होगी जो खुद तआवुन कर रही है अमेरिकन के साथ, अमेरिकन को उसने पूरा एक रास्ता दिया हुआ है कि आर्मी और ISI को बाईपास करके पाकिस्तान के निजाम में आप दाखिल हो सकते हो, तो फिर हम किस किस्म की सिक्योरिटी. सर, फिर सियासी सवाल पूछ लेती हूं आपसे, इस सियासी सवाल का जवाब दे दीजिए आवाम के लिए कि ये कर क्यों रहे हैं हुकूमत, ये कर क्यों रही है हुसैन अकानी साहब और ऐमान मलिक साहब, आसिफ जरदारी साहब. हुकूमत इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि इसको अपने सर्वाइवल की, इनकी आवाम में जड़ें हैं नहीं, इनको नजर आ रहा है कि कोई अब इनको अगले इलेक्शन में वोट नहीं देगा. इनकी हालत कारजाई की हुकूमत से मुख्तलिफ नहीं है, इराक में चलबी की हुकूमत हो, कारजाई की हो, इनकी यहां पे हुकूमत हो, इन सब का स्टेटस एक है. इनको अमेरिकन भीख भी चाहिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी चाहिए, वरना अगर अमेरिकन प्रेशर ना हो तो ये अवामी गमो गुस्सा इतना है कि इस हुकूमत को बहुत पहले बहा के ले जाता. ये सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए और करप्शन के लिए. पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, जैसे आपने कहा कि ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, हमारा दूसरा बड़ा मसला करप्शन है जिसने मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि बजट बनाने के पैसे इनके पास नहीं है. इसी काम के लिए इस हुकूमत को अमेरिकन की जरूरत है, और हर शर्त उनकी मानते हैं. सर, आपसे एक और सवाल पूछूंगी, इससे पहले मैं अपने दूसरे अहम मौजू की जानिब जाऊं, उनकी मर्जी पर भी चलते. सर, मैं एक अहम सवाल पूछूंगी, मैं बलोचिस्तान के अंदर भारतीय मुदाखलत का अभी चैप्टर नहीं खोलूंगी आपके साथ, मगर जो मैं जानना चाहती हूं क्योंकि मेरा अहम मौजू है इसके बाद, वो कराची है जिधर खून का बाजार गर्म हो रहा है, जिधर अभी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी निकली है, और कुछ साउथ अफ्रीकन किलर्स, बकायदा ट्रेंड किलर्स का भी बताया गया है, जमातों की तरफ इशारा भी किया गया है, वो किधर से मुंसलिक रहे हैं. क्या इस तरह के पर्सनल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, क्या कराची में भी उनका कोई हाथ हो सकता है? देखिए, इस वक्त तीन एक्सेस हैं इंसर्जेंसीज के पाकिस्तान में जो बगावत बर्पा की जा रही है, एक तहरीक तालिबान की है, एक BLA की है, और एक कराची में है. और कराची में जो एसेट्स हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपने ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से पहले बात कही थी कि जो वहां सियासी तंजीमें हुकूमत कर रही हैं वही भत्ताखोर हैं, वही टारगेट किलर्स हैं, और उन्हीं के साउथ अफ्रीका में एसेट्स हैं.
आपके चैनल की पॉलिसी है, इस वजह से हम नाम नहीं ले रहे, वरना दुनिया को मालूम है कि वो मेरी कोई मेरे सर जो सियासी जमातों के रूप में कराची में इस वक्त एक कत्ल खून का सैलाब तूफान नहीं सर मेरे 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 चैनल की एक ही पॉलिसी है सर, दुनिया टीवी की पॉलिसी है सच और बस सच। जैद हामिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। नाजरीन इसी के साथ साथ आपको बताया था कि दूसरी टॉप स्टोरी हमारी होगी और वो कराची ही थी कि जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, और कराची के कुछ फ्रीकैन के बगैर तो ये बात करना मुनासिब नहीं होगा। MQM से भी हम जरूर जवाब लेंगे, उनका हक है अपना जवाब दें इस हवाले से, मगर आजकल आई थिंक वो मीडिया पे नहीं आ रहे। आज भी हम टेलीफोन करने की कोशिश उन्हें करेंगे कि इसका हमें जवाब मिले, मगर आपको बताती चलूं आज की अहम स्टोरी वंस अगेन कराची, वे एल्स कैन वी मूव फॉरवर्ड विदाउट इट अनफॉर्चुनेटली। नाजीन कराची में ताजरों के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को भी भत्ते की बाकायदा तौर पर पर्चियां वसूल होना शुरू हो गई हैं, और भत्ता अगर वो ना दें तो फिर हम क्या देखते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। दो रोज कबल की अभी बात है कि एक ट्रांसपोर्टर को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया था। अब अपने इसी प्रोग्राम में आज ट्रांसपोर्टर्स का मौकफ लेने के लिए मैंने एक ट्रांसपोर्टर को फोन किया तो उसका यह कहना था, और बल्कि बाकायदे तौर पर यह कहना गलत होगा, कि वो फट पड़ा। उसने ये कहा नाजरीन कि मैं किससे फरियाद करूं ऑनलाइन ऑन एयर आके कि जिनसे करनी है मैंने वही तो भत्ता ले रहे हैं हमसे। कराची में भत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है एज वी स्पीक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 58 चौकियां बना दी गई हैं कि जिन पर 215 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। खुदा करे कि ये एहलकार ही पर्ची देने वालों को पहचान जाएं। कराची का अमन एक तरफ भत्ताखोर तबाह कर रहे हैं तो दूसरी तरफ टारगेट किलिंग करने वाले ले डूबे हैं। MQM दावा करती है कि पिछले 24 घंटों में इसके 9 कारकुनान समेत 15 लाशें गिर चुकी हैं। आज MQM के सीनियर रहनुमा रजा हारून साहब कह रहे थे कि उनकी पार्टी को सिर्फ कराची तक महदूद करने के लिए ये लाशें गिराई जा रही हैं कि वो कराची के अंदर खुद उलझे इतने रहें। मगर एक सवाल है, अहम सवाल है, उन्होंने ये हमें नहीं बताया कि उन्हें पंजाब में जलसा करने के बाद कराची तक महदूद रखना कौन चाहता है आखिर। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर सिंध जो हैं कायम अली शाह साहब, उनका ये कहना था कि 2 करोड़ आबादी वाले शहर में 4 लाशें गिरती हैं तो लोग शोर मचा देते हैं, गोया उनके नज़दीक 4-5 इंसानी जानों का रोज़ाना ज़िया कोई मायने नहीं रखता, या शायद और मे बी एक बेबस इंसान वाली बोली बोल रहे हैं, वो अपनी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि टारगेट किलिंग को काबू में लाने के लिए अब तक तो कोई ऑपरेशन कोई तदबीर कारगर साबित नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। तो क्या भत्ताखोरों के लिए खुलने वाला ये नया महाज जो है कारआमद साबित होगा नहीं होगा, या एक दफा फिर उसी साइक्लिकल डेवलपमेंट के अंदर हम चले जाएंगे कि हम भी आए रोज आपसे यही टॉपिक छेड़ेंगे मगर अनफॉर्चुनेटली कोई पेशरफ्त सामने नहीं आएगी। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल साहब और पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन तेली साहब कासिम तेली साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर टॉकिंग टू अस। मैं आपसे शुरू करूंगी तेली साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज एक कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेस रिलीज मौसूल हुई, इसके ऊपर तो बज़ाहिर आप सारे मुतमईन नज़र आ रहे हैं हुकूमत की पेशरफ से और इंटरेस्ट से और इसके ऊपर जो हुकूमत काम कर रही है, एम आई करेक्ट? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने कुछ चीज़ें बताई है कि ये चीज़ें इन्होंने की है। आज रहमान मलिक साहब कराची आए थे, गवर्नर हाउस में हमारी मीटिंग हुई है शाम को 5 बजे, और उसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि ये इन्होंने ऑर्डर कर दिया है जितने भी रॉन्गली इशूड मोबाइल फोन्स की सिम्स हैं उनको आज रात से बंद कराने के लिए टेलीफोन कंपनी मोबाइल कंपनियों को ऑर्डर कर दिया है और PTA कह दिया है उसको फॉलो अप करें और उसको बंद कराएं। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी इन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं हम यानी कि इस पर 100% मुतमईन नहीं है, और मैंने उनको भी ये कहा है कि मुतमईन नहीं है, मगर इसका रिजल्ट हम देखेंगे और इस रिजल्ट के बाद और सोचेंगे आगे क्या करना है। मगर ये बात पक्की है कि अगर ये मोबाइल फ़ोन की सिम्स बंद कराने में कामयाब हो जाते हैं और ये और मोबाइल लोकेटर इन्होंने कमिट किया है कि अगले 24 घंटे में पुलिस को मुहैया कर दिया जाएगा, अगर ये दो चीज़ें भी कर देते हैं तो 60-70% क्राइम्स सारी मोबाइल के जरिए होती है। 60-70% क्राइम। अच्छा मैं एक पटेल साहब से अपडेट ले लेते हैं, आप स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंटीरियर के भी चेयरमैन हैं। पटेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, अस्सलाम वालेकुम। अब भत्ताखोरी का अनफॉर्चुनेटली ये पूरा इशू जो है इस नौबत पे हमें ले आया है कि अब आउटराइट स्ट्राइक्स हो रही हैं सर इसके ऊपर। मुझे ये बताइए, एक तो जो तेली साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये सिम्स बंद करने के ऊपर, आप लोग किधर तक पहुंचे हैं, क्या अभी तक पेशरफ्त हुई है सिलसिले में, और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि चले पहले आप इसका जवाब दे दीजिए।
जी, इस बारे में मेहर इंटीरियर कमेटी की तरफ से पीटीए को काफ़ी बार जो है वो तजावीज़ जा चुकी है। बुनियादी तौर पर ये काम है पाकिस्तान टेलीकम्यूनिकेशन अथॉरिटी का। दूसरी ये वो कर भी रहे हैं बहरहाल इसको मुख्तलिफ फेजेज में और ये इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, आपने कहा कि वो गवर्नर नहीं वजीर आला हैं कायम अली शाह साहब हमारे, सॉरी सर गवर्नर का, सॉरी सर लाइव बैठ के बहुत कुछ कह दिया जाता है, आप करेक्ट कर दीजिए। तो बहरहाल वजीर आला साहब ने जो बात की सर, अब आप सबको सब कुछ कर सकते हैं। जब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वजीर रहमान मलिक साहब ने कहा है कि विद इमीडिएट इफेक्ट हमने ये ऑर्डर पास कर दिया है और ये फेडरल सब्जेक्ट है। मैंने और इनकार नहीं किया, ऑर्डर किया है कि बंद करें। जी मैंने इनसे इनकार नहीं किया। रहमान मलिक साहब माशाल्लाह बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं और वो सारे इंप्लीमेंट भी हो जाते हैं, अल्लाह करेगा ये भी हो जाएगा। मैं ये कह रहा था मेहर कि उन्होंने जो बात आपने कहा अपनी एक सख्त जबान इस्तेमाल की कि खफ्त मिटाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। देखें उनका कहना यह था कि दो करोड़ के शहर में दो चार लोग अगर मुख्तलिफ वाकियात में रकाबत पे दुश्मनी पे तनाजे पे मारे जाते हैं तो उन सबको भी टारगेट किलिंग का नाम ना दिया जाए। यस टारगेट किलिंग हो रही है कराची में। मुझे इजाजत दीजिए, शायद आपकी बात, मैं खुद आपकी बात कर देता हूं। क्या बात करने वाली हूं? आप कह रही है ना कि लाशें गिर रही हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। कराची शहर में अभी से नहीं, काफी अरसे से बत्ता भी लिया जा रहा है, लेकिन आप ये देखें कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में, मतलब माह डेढ़ माह पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ फिगर्स हमारे सामने आ रहे थे कि जी इतने टारगेट किलर्स पकड़े गए। आपने दो चार रोज में देखा कि वो टारगेट किलर्स पेश भी किए गए, उनके नाम भी आए और कितने कितने हाई प्रोफाइल मर्डर्स आपके सामने आए हैं। हालांकि अगर आज भी अगर कुछ हो रहा है और अगर कल खुदा ना खास्ता कुछ हो तो जो सबसे बड़ा इल्जाम था हमारे वजीर दाखला, आप तो वो भी रुक सकते हैं। अगर मुझे इजाजत दीजिए, अगर मुझे इजाजत दीजिए, मजे की बात है जमात इस्लामी तो कह रही है कि जुल्फिकार मिर्जा ही एक वो वाहिद शख्सियत है कि जो अब रोग रुकवा सकते हैं इन सब चीजों को। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा लूंगी नाजरीन, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और पूछेंगे आज वंस अगेन विद ऑल द विगर कि आखिर क्या बात है कि हम ट्रांसपोर्टर्स से बात करें टेलीफोन पर तो वो कहते हैं इन्हीं जमातों के नाम लेते हैं, तेली साहब से अभी बात कर लें वो भी इन्हीं जमातों के नाम लेंगे, तो ये जमातें आखिर बेबस क्यों हैं, ये एक दूसरे की तरफ इशारा करके बात को टाल क्यों देती हैं। ऑपरेशन का एक नया महाज खोल लिया है, मगर कुछ इससे पाया जाएगा, इससे कुछ निकलेगा भी कि नहीं, इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। बिकॉज वी आर गोइंग ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।